नमस्कार साथियों, और आज हम कुमाऊं दर्शन पे हैं, तो आपको भी कराते हैं कुमाऊं की बेहतरीन जगहों से आपको मिलाएंगे। तो अभी तो खैर हम काला डूंगी से सबसे पहले और अल्मोड़ा जा रहे हैं। तो हमारे साथ हैं, ये आप देख सकते हैं, अमित जी हैं, शुभम हैं, संदीप जी हैं, मामी जी हैं, और आगे रुचि और नैना बैठे हैं। तो अभी हम काला डूंगी से और जा रहे हैं नैनीताल वाले रास्ते अल्मोड़ा को। अभी आए हैं हम खुरपाताल, और मैं जैसे पहली बार आए हैं तो ये बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। ये है हमारे साथ हमारे सहयोगी और शुभम, वहाँ से कुछ नमकीन लेके आ रहा है दौड़ के नैना के लिए। और ये बहुत आप पहली बार ही आए हैं? हाँ, ये मैं पहली बार ही आया है। नैनीताल ही पहली बार आई है? नैनीताल भी पहली बार ही आया है। नैनीताल बहुत सुंदर है। बहुत के बाद चलेंगे खुरपाताल के बाद नैनीताल, तल्लीताल होते हुए भीमताल होते हुए भवाली और उसके बाद अल्मोड़ा। और ये हम पहुंच चुके हैं अब नैनीताल, नैनीताल मेन मार्केट। इधर हमारे लेफ्ट साइड राजभवन, राइट साइड किले माल रोड किले, और ये नैनीताल। ये तल्लीताल हुआ है। ये कौन सा? ये नहीं, अच्छा इसको तल्लीताल। और ये पूरा जो एरिया है तल्लीताल, और यहाँ पे देख सकते हो आप काफ़ी भीड़ है यहाँ पर। और ये हम यहाँ से अल्मोड़ा के लिए, और ये नैनीताल, नैनी लेक, और ये है यहाँ पर नैनीताल, और ये हम अल्मोड़ा के लिए। ये अल्मोड़ा भवाली के लिए हमारा रास्ता यहाँ से। तो यहाँ से अल्मोड़ा अभी हमारा जो सफ़र है 65 किलोमीटर। और अभी हम आए हैं नैनीताल से आगे, और यहाँ पे ये भवाली से थोड़ा सा पीछे, यहाँ से भवाली होगा 2-3 किलोमीटर। और ये लोग हमारे साथी जूस वूस पी रहे हैं, यहाँ पे हैं सारे हमारे साथी, ये पी रहे हैं जूस। और यहाँ पे आई लव नैनीताल के वो भी लगे हैं फोटो खींचने के लिए। हमारे साथ है नैनू। नैनू हाई करो, हाई कर नैनू। तो चलते हैं फिर अब भवाली, और उसके बाद खैरना गर्म पानी और अल्मोड़ा। अमित जी भवाली से आगे आए हैं, भवाली से थोड़ा आगे कैंची धाम के लिए अब हम जा रहे हैं। यहाँ से कैंची धाम लगभग 4-5 किलोमीटर है, ज़्यादा नहीं है। भवाली से कैंची धाम का रास्ता बहुत ही सुंदर। और पहुंच चुके हैं हम अब भीम करौली बाबा कैंची धाम। यहाँ पे श्रद्धालु काफी सड़क में, ये है नीचे बाबा, और ये है यहाँ पर ये नीम करौली बाबा का आश्रम, आश्रम के नाम ये हनुमान जी का मंदिर। और यहाँ पे काफी चहल पहल हमेशा ही है, हमेशा ही, मतलब कभी भी आप आ जाओ किसी भी सीजन में। यहाँ से काफी वो है बाबा जी का आश्रम नीम करौली बाबा, और ये मेन गेट यहाँ का मुख्य द्वार, जहाँ से जो है वो यहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक यहाँ तक पूरा अभी भी नीम कैंची धाम का मार्केट जुबान है जाम। हाँ काफ़ी हर दिन, मतलब लगभग हजारों पर्यटक आते हैं। ये पहुँच चुके हैं हम खैरना में, और ये खैरना गर्म पानी का मार्केट है, काफ़ी बड़ा मार्केट है खैर। और अभी तो खैर ये देख सकते हैं आप, खैरना यहाँ पे लिखा भी है बोर्ड में, और खैरना और गर्म पानी का ये मार्केट है।
रानीखेत के लिए ये दोनों पुल। ये हुआ रानीखेत और हमें तो जाना है खैर अल्मोड़ा 33 किलोमीटर। कर्णप्रयाग भी यही है। हाँ कर्णप्रयाग 201 गैर सैंड होगा। धारचूला पिथौरागढ़ 148 अस्कोट 200 धारचूला 240 अल्मोड़ा 33। और यहाँ ऊपर ये जवाहर नवोदय विद्यालय नैनीताल का। तो ये है कसार देवी, डियर पार्क, नंदा देवी और अल्मोड़ा। अल्मोड़ा 13 ही है भाई। अल्मोड़ा 13 किलोमीटर पहुँचने वाले हैं। और नैना थोड़ी देर के लिए गाड़ी चलाते हैं। नैना कह रही मैं गाड़ी चलाती हूँ। तो अभी हम हैं लोधिया में। ये हमारे साथ हैं अमित जी, संदीप, नैना, रुचि, मामी जी और ये हैं शुभम जी। तो शुभम जी क्या मंगाया फिर आपने? हमने मंगाया भटकी चिटवानी। अच्छा चावल। अच्छा और ये है भटकी चुटवानी। तो देखते हैं फिर, स्पेशल डिश है यहाँ की। तो अमित जी टेस्ट करेंगे। कैसा हो रहा? मजा आ रहा? अच्छा पहली बार खा रहे हो आप? पहली बार। अच्छा 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 और अभी हम लोधिया में, यहाँ से 5 किलोमीटर और होगा आगे। और ये देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत नज़ारा। और ये यहाँ से अल्मोड़ा है 5 किलोमीटर, यहाँ से ये वाली रोड आगे जाएगी। और नैना भी खा रही है कुछ, नैना को भी, नैना प्याज ही खा रही है। हम काला डूंगी से अल्मोड़ा में हमने खाई भट्टी चटवानी और चाय, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही टेस्टी। और अब हमने मंगाए हैं पकौड़े चाय के साथ। और ये पहुँच गए हैं हम अल्मोड़ा। तो अब हम पहुंच चुके हैं दोस्तों अल्मोड़ा में। तो ये था आज का हमारा सफ़र कालाडूंगी से, और हम अल्मोड़ा आए। काफ़ी शानदार सफ़र था। तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।